For this, there is a need of developed network of road, railway, airways and waterways. अगर आपको दूसरी जगह से कोई सामान गुड्स वगैरह मंगवाना भी है तो रोड का सही होना भी ज़रूरी है ना. रोड अगर सही नहीं होगी तो कैसे आप ट्रांसपोर्ट के थ्रू मंगाओगे. अगर कोई रेलवे सर्विस नहीं होगा तो आप कैसे मंगाओगे, एयरवेज या फिर वाटरवेज. द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट इज यूज अकॉर्डिंग टू द डिस्टेंस, टाइप, कॉस्ट एंड द साइज ऑफ थिंग्स दैट हैव टू बी ट्रांसपोर्टेड. जो हमारा परिवहन है, मतलब जो हमारा मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है, वो डिपेंड करता है कि उसका डिस्टेंस कितना है, मतलब जहाँ से हम मंगा रहे हैं वहाँ से यहाँ तक में डिस्टेंस कितना है, किस टाइप का है, उसकी कितनी कॉस्ट आ रही है और वो जो चीज़ हम मंगा रहे हैं वो उसका साइज़ क्या है. अगर हमें चूज़ करना है कि हमें कौन सा ट्रांसपोर्ट से हम गुड्स मंगाएं, तो वो डिपेंड करता है गुड्स पर, ठीक है, कि गुड्स किस टाइप के हैं, कितना कॉस्ट पर उस पर लगेगा, कितनी बड़ी है, उसके साइज़ कितना है, उस पर डिपेंड करता है कि हम कौन से मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज़ करेंगे अपने गुड्स को परचेज करने में या मंगवाने में. नाउ नेक्स्ट टॉपिक वी हैव रोड ट्रांसपोर्ट. देयर इज़ अ लार्ज नेटवर्क ऑफ रोड्स इन इंडिया. मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ आवर कंट्री आर कनेक्टेड विद रोड्स. हाईवेज आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोड्स इन इंडिया. ये है हाईवे, ठीक है, सड़कों का बड़ा नेटवर्क है इंडिया, ठीक है, मतलब इंडिया में देखा जाए तो लार्जेस्ट नेटवर्क ऑफ रोड्स है. हमारे देश में अधिकांश भाग, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा भाग सड़कों से जुड़े हुए हैं, जैसे कि हाईवे बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोड है इंडिया में, ठीक है. देयर आर लॉन्ग एंड ब्रॉड रोड्स, जो कि वो हाईवे कैसे हैं, लंबे और चौड़े हैं, ठीक है. नेशनल हाईवे कनेक्ट स्टेट कैपिटल, बिग सिटीज एंड टाउन ऑल ओवर द कंट्री. जो नेशनल हाईवे है वो किसको किसको कनेक्ट करता है, स्टेट के कैपिटल्स को या फिर जो बड़े बड़े शहर होते हैं या टाउन्स हो गए, इन सभी को कंट्री से कनेक्ट करता है. द सेंट्रल गवर्नमेंट बिल्ड्स एंड मेंटेन्स दीज रोड्स. जो हमारी केंद्र सरकार है वो इन सड़कों का निर्माण करती है और रखवाली भी करती है, ठीक है, मतलब रखवाली मतलब जैसे कि इनका मेंटेनेंस देखती है कि रोड सही है, गड्ढे वड्ढे हैं तो उसको सही करवाना, ये सब, ठीक है. स्टेट हाईवे आर बिल्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट. स्टेट हाईवे कौन बनाता है, स्टेट गवर्नमेंट बनाती है. स्टेट हाईवे को हम क्या कहते हैं, स्टेट को हम कहते हैं राज, आपको पता है. हाईवे को हम हिंदी में कहते हैं राजमार्ग. स्टेट हाईवे कनेक्ट इम्पॉर्टेंट टाउन एंड सिटीज विद इन अ स्टेट. ऑल द हाईवे हैव नंबर्स. ग्रैंड ट्रंक रोड इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट हाईवे. इट वॉज बिल्ड बाय शीर शाह सूरी इन द 16th सेंचुरी CE. इट कनेक्ट्स पेशवर इन पाकिस्तान टू सोनार गांव. अच्छा, हर हाईवे की नंबर्स होते हैं, ठीक है, हर हाईवे की नंबर्स होते हैं. और जो सबसे पुरानी हाईवे कौन सी है, ग्रैंड ट्रंक रोड. ये जो हमारा ग्रैंड ट्रंक रोड है, मतलब जो हमारा ओल्डेस्ट हाईवे है, उसको किसने बनवाया था, शीर शाह सूरी ने बनवाया था 16th सेंचुरी, मतलब 16वीं शताब्दी में बनवाया था. और ये जो हाईवे है ये किसको किसको जोड़ता है, पेशवर जो कि पाकिस्तान में, सोनार गांव जो कि बांग्लादेश में है, इन दोनों को ये जोड़ता है हाईवे. दिस रोड रन्स थ्रू नॉर्दर्न, सेंट्रल एंड ईस्टर्न इंडिया, कनेक्टिंग मैनी प्लेसेस सच एज दिल्ली, औरंगाबाद एंड हावड़ा. ये जो रोड है, ठीक है, ये रोड किससे किससे होकर गुजरती है, नॉर्दर्न मतलब उत्तरी, सेंट्रल मीन्स मध्य एंड ईस्टर्न इंडिया मतलब पूर्वी भारत से होकर गुजरती है. ये बहुत सारे प्लेसेस को भी जोड़ती है, जैसे कि दिल्ली, औरंगाबाद और हावड़ा. देयर आर मेटल्ड एंड अनमेटल्ड रोड्स. मोस्ट रोड इन सिटीज एंड टाउन्स आर मेटल्ड. दे आर ऑल्सो नोन एज पूचा रोड. सीमेंट, स्टोन एंड टार आर यूज टू मेक दैम. सिटीज़ एंड टाउन्स मतलब शहर और कस्बे में पक्की और कच्ची सड़क दोनों हैं, पर ज़्यादा से ज़्यादा देखा जाए तो पक्की सड़कें ज़्यादा हैं, ठीक है. और ये पक्की सड़कें किससे बनाया गया है, सीमेंट, पत्थर और
बाहर से, ठीक है, इनके ही मदद से ये जो रोड है ये बनाया गया है। अनमेटल रोड्स आर फाउंड इन विलेजेस, इन हिली एंड माउंटेनियस एरियाज टनल्स आर डग टू मेक रोड्स टू कनेक्ट टू रिवर बैंक्स, ब्रिजेस हैव टू बी बिल्ट एंड रोड्स आर बिल्ट ओवर देम। रोड्स हेल्प पीपल टू ट्रांसपोर्ट डिफरेंट प्रोडक्ट्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। अ वेल डेवलप्ड रोड नेटवर्क इज ऑल्सो ऑफ ग्रेट हेल्प इन एमरजेंसीज एज पीपल कैन बी रीशेड्यूल्ड क्विकली, रेस्क्यूड क्विकली। अच्छा, विलेजेस में ज़्यादा से ज़्यादा रोड कैसी होती है? कच्ची रोड होती है, ठीक है, जिसको हम अनमेटल रोड कहते हैं। और जो पहाड़ी इलाके रहते हैं वहाँ पे रोड बनाने के लिए गड्ढे बनाने पर मतलब सुरंग खोदनी पड़ती है। और अगर हमें दो ब्रिज को अगर जोड़ना है, ठीक है, दो नदी को अगर जोड़ना है तो हमें उसके ऊपर पुल बनानी पड़ती है। उसके बाद पुल के बाद उसके ऊपर हम सड़क बनाते हैं ताकि इधर इस पार से उस पार जा सके। और अगर मान लीजिए कभी कोई इमरजेंसी हो गई जिससे हमें बहुत जल्दी जाना है, तो जैसे कि मान लीजिए इस पार से उस पार जाना है, तो अगर रोड बनी रहेगी अच्छे से, अगर रोड बनाएंगे तो हम इमरजेंसी में भी इस पार से उस पार बहुत जल्दी जा सकते हैं और आराम से हम रेस्क्यू कर सकते हैं। ये रेस्क्यू करने में भी हेल्प करते हैं। इन विलेजेस स्लो मूविंग बुलॉक कार्ट्स एंड हॉर्स कार्ट्स आर ट्रेडिशनली यूज्ड फॉर लैंड ट्रांसपोर्ट। अच्छा, गाँव में क्या होता है कि आज भी धीमी गति के जो बैलगाड़ी होती है और घोड़े गाड़ी होती है उसको वो लोग इस्तेमाल करते हैं, मतलब काफ़ी टाइम से वो लोग इस्तेमाल करते आ रहे हैं लैंड ट्रांसपोर्ट के लिए। ऑटो रिक्शा, बाइसाइकिल एंड साइकिल रिक्शा आर ऑल्सो पॉपुलर इन विलेजेस, टाउन्स एंड सिटीज। गांव, कस्बे और शहर में भी ऑटो रिक्शा, साइकिल और रिक्शा, ठीक है, इन सब का भी काफ़ी यूज होता है, काफ़ी इस्तेमाल होता है। बसेस आर पॉपुलर मीन्स ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट। रोड ट्रांसपोर्ट में देखा जाए तो बस का ज़्यादा यूज़ करते हैं। कार्स आर वेरी पॉपुलर इन इंडिया। इंडिया में देखा जाए तो कार काफ़ी पॉपुलर है, जिसको हम लोग परिवहन के लिए यूज़ भी करते हैं। ऐसा क्यों? बिकॉज दे आर अफोर्डेबल, फ्यूल एफिशियंट एंड ईजी टू पार्क। वो इसलिए क्योंकि वो अफोर्डेबल मतलब सस्ती भी है, उसकी सस्ती है इसलिए ये फ्यूल की वजह से, और उसको पार्क करना भी काफ़ी ईजी होता है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक वी हैव रेलवे। इन इंडिया द रेलवे वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय द ब्रिटिश। द फर्स्ट ट्रेन रैन इन 1853 बिटवीन मुंबई एंड थीन। इंडिया में फर्स्ट रेलवे आई थी किसकी? भारत में रेलवे की शुरुआत किसने की थी? ब्रिटिश मतलब अंग्रेज़ों ने की थी। कब? यहाँ पे भारत में जो फर्स्ट ट्रेन थी मुंबई से थीन, जो फर्स्ट ट्रेन 1853 में चली थी वो कहाँ से कहाँ गई थी? मुंबई एंड थीन, ठीक है। दीज डेज इंडियाज मोर दैन 67,368 किलोमीटर लॉन्ग रेलवे नेटवर्क इज द सेकेंड लार्जेस्ट इन एशिया एंड द फोर्थ लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड। इन दिनों भारत का 67,368 किलोमीटर से अधिक लंबा नेटवर्क एशिया में दूसरे सबसे बड़ा नेटवर्क और दुनिया का चौथा सबसे बड़ा नेटवर्क है। पहले ट्रेन दिस हैज अर्लियर ट्रेन्स रन ऑन स्टीम। पहले के टाइम पे क्या होता था, जो ट्रेन होती थी वो भाप पे चलती थी, ठीक है, स्टीम पर। नाउ द ट्रेन रन ऑन डीजल एंड इलेक्ट्रिक इंजन। अब आज जो ट्रेन है वो किस पे चलती है? डीजल पे चलती है और इलेक्ट्रिक इंजन्स पे चलती है। दिस हैज़ इंक्रीज द स्पीड ऑफ ट्रेन, जिसकी वजह से ट्रेन की जो रफ्तार है वो बढ़ गई है। गुड्स ट्रेन्स आर यूज टू कैरी गुड्स लाइक कोल, कॉटन, फूड ग्रेन्स एक्सेट्रा। जो गुड्स ट्रेन होती है मतलब जो मालगाड़ी, आपने सुना ही होगा मालगाड़ी के बारे में। मालगाड़ी क्या करती है? वो कैरी करती है गुड्स को, जैसे कि कॉटन हो गया, कोल हो गया और फूड ग्रेन्स हो गया। एक जगह से दूसरे जगह ले जाने में ट्रेन्स का भी यूज होने लगा है। पैसेंजर्स ट्रेन्स आर यूज टू कैरी पीपल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। और जो पैसेंजर ट्रेन है वो क्या करता है? वो लोगों को एक जगह से दूसरे जगह जाने में मदद करता है। मेट्रो ट्रेन्स रन इन कोलकाता,
दिल्ली एंड मुंबई। और हमारी जो मेट्रो ट्रेन है वो कहाँ कहाँ रन करती है? कोलकाता में, मुंबई में और दिल्ली में। नाउ नेक्स्ट पैरा। दीज ट्रेन्स रन इन अर्बन एरियाज ईदर ऑन एलिवेटेड ट्रैक्स और अंडर द ग्राउंड। अच्छा, ये जो ट्रेनें हैं ये शहर, अगर शहर से होकर अगर गुजरती है तो या फिर एलिवेटेड ट्रैक से होकर गुजरती है या फिर ज़मीन के नीचे से चलती है। देयर इज़ अ डेंस नेटवर्क ऑफ सबर्बन ट्रेन इन मुंबई। इट इज़ द चीफ मीन्स ऑफ लोकल ट्रांसपोर्ट इन द सिटी। मोनो रेल वॉज ऑल्सो इंट्रोड्यूस्ड इन मुंबई। अच्छा, ये जो ट्रेन है ठीक है, वो ऐसा नहीं कि बस सिटी सिटी ही जाते हैं। आप इससे अगर आप थोड़ी सी डिस्टेंस में अगर आपको जाना है तो आप वहाँ पर भी जाते हैं। मुंबई में इसको लोकल ट्रांसपोर्ट की तरह भी लोग यूज़ करते हैं। मोनो रेल भी अब आ चुका है इन मुंबई में। शताब्दी एक्सप्रेस एंड राजधानी एक्सप्रेस आर सुपर फास्ट ट्रेन। सबसे फास्टेस्ट ट्रेन कौन सी है जो सबसे फास्ट है? वो है शताब्दी एक्सप्रेस और राजधानी एक्सप्रेस। दे कैन रन एट स्पीड्स ऑफ ओवर 140 किलोमीटर पर आवर। इनकी जो रफ्तार है वो 140 किलोमीटर पर आवर है। ये इससे भी तेज रफ्तार में चलती हैं, इसीलिए इन्हें सुपर फास्ट ट्रेन्स में लिया है, इसीलिए ये सुपर फास्ट ट्रेन में आते हैं। एयरवेज। एयर ट्रांसपोर्ट इज द फास्टेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, मतलब हवाई परिवहन सबसे तेज है। इट इज़ ऑल्सो द मोस्ट एक्सपेंसिव मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। ये तेज भी है प्लस ये महंगा भी है। ऑल मेजर सिटीज ऑफ इंडिया आर कनेक्टेड बाई एयर। एरोप्लेन्स एंड हेलीकॉप्टर्स आर द मीन्स ऑफ एयर ट्रांसपोर्ट। भारत की जो प्रमुख, मतलब जो मेजर सिटीज़ है, जो मेजर प्रमुख शहर है, वो हवाई जहाज से जुड़े हुए हैं। जैसे कि हेलीकॉप्टर हो गया, उसको भी हम हवाई परिवहन में ही हम उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। एरोप्लेन ट्रांसपोर्ट पीपल एंड गुड्स, स्पेशली पेरिशेबल गुड्स लाइक फ्लावर्स, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स टू फार ऑफ प्लेसेस। अच्छा, एरोप्लेन ट्रांसपोर्ट का पीपल यूज़ करते हैं जैसे कि जो बहुत ऐसे गुड्स जो ख़राब हो सकते हैं, जैसे फ्लावर्स हो गया, फ्रूट्स हो गए, वेजिटेबल्स हो गए, अगर बहुत दूर कहीं लेके जाना है तो आप ट्रेन वगैरह से भेजोगे या फिर किसी बस वगैरह इससे भेजोगे तो उसका ख़राब होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, इसीलिए लोग एयर ट्रांसपोर्ट भी इस्तेमाल करते हैं। कोई मेल भेजना हो आप वो भी आप इससे भेज सकते हैं। हेलीकॉप्टर इज़ ऑल्सो अ वेरी यूजफुल मीन्स ऑफ एयर ट्रांसपोर्ट। हेलीकॉप्टर भी एयर ट्रांसपोर्ट का ही मीन्स है। एट द टाइम ऑफ ड्रॉट, फेमाइंस, एपिडेमिक्स, अर्थक्वेक, फ्लड्स एंड वार्स, दे आर यूज टू ड्रॉप फूड, मेडिसिन एक्सेट्रा टू पीपल इन द अफेक्टेड एरिया। हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल जैसे कि कभी भी लड़ाई हो जाती है या फिर अर्थक्वेक आ गया, उससे अगर जख्मी लोग हैं जहाँ पर, तो उन्हें खाना, पानी, मेडिसिन वगैरह भी जब देना होता है तो हम हेलीकॉप्टर की ही मदद से देते हैं। पीपल ऑल्सो रेस्क्यूड बाय हेलीकॉप्टर्स ड्यूरिंग नेचुरल डिजास्टर्स। जब नेचुरल डिजास्टर होता है, मतलब प्राकृतिक उपदाओं की वजह से जो भी नुकसान वगैरह होता है उससे, उसमें जब लोग फंस जाते तो उसको, उनको हम हेलीकॉप्टर की ही सहायता से बचाते हैं। एयरलाइंस आर ऑफ टू टाइप्स, इंटरनेशनल एंड डोमेस्टिक। एयरलाइंस दो तरह के होते हैं, एक इंटरनेशनल मतलब अंतर्राष्ट्रीय एंड डोमेस्टिक, डोमेस्टिक मतलब घरेलू। पीपल एंड गुड्स आर कैरीड बाय इंटरनेशनल एयरलाइंस फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर। जो इंटरनेशनल एयरलाइंस होती है, मतलब जो अंतर्राष्ट्रीय एयरलाइंस होते हैं, उससे क्या होता है, वो लोग को और सामानों को एक देश से दूसरे देश में ले जाता है। डोमेस्टिक एयरलाइंस कैरी पीपल एंड गुड्स टू डिफरेंट प्लेस विद इन अ कंट्री। और ये जो हमारा डोमेस्टिक एयरलाइंस है, मतलब जो घरेलू एयरलाइंस है, वो क्या करता है कि जिस देश में हम हैं उस देश से हमें वो दूसरे देश में नहीं लेके जाता, उसी देश में, उसी देश के भीतर लोगों को अगर एक जगह से दूसरी जगह सामान लेके जाना, मतलब अलग अलग जगह पे जाना है उसी देश के ही अंदर में, तो वो लेकर जाता है। इंटरनेशनल एयरपोर्ट आर सिचुएटेड इन बिग सिटीज लाइक दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई एंड बेंगलुरु। इंडिया एयर इंडिया इज़ द ऑफिशियल एयरलाइन ऑफ
आर कंट्री. ये जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, मतलब हमारा ये जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, वो कहाँ कहाँ, वो बड़े बड़े शहरों में होते हैं, जैसे कि मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलुरु, इन सब में होते हैं, इन सब जगहों पर होते हैं. एयर इंडिया इज़ द ऑफिशियल एयरलाइन इन आर कंट्री, मतलब एयर इंडिया हमारे देश की आधिकारिक एयरलाइन है. वाटरवेज, वाटरवेज कंसिस्ट ऑफ वाटर बॉडीज लाइक सीज, रिवर, लेक, कैनल एंड बैक वाटर. शिप, फेरीज, बोट्स, याज एंड कैनल्स आर सम मीन्स ऑफ ट्रेवल ओवर वाटरवेज. वाटरवेज, वाटरवेज मतलब जलमार्ग, जलमार्ग, ठीक है, जैसे कि समुद्र, नदियाँ, झीलें, नहरें और बैक रिवर, बैक वाटर, ये सब जो है, इन सब जगह पर क्या क्या होता है, शिप्स मतलब जहाज, घाट, नाव, नौका और डोगो, इन चीज़ों का हम इस्तेमाल करते हैं अगर हमें जल में, मतलब जल मार्ग की यात्रा, अगर हमें देखा जाए कि अगर हमें वाटर ट्रांसपोर्ट, मतलब अगर पानी से कहीं जाना है, तो हम इन सब चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं. जल मार्ग से अगर होकर हमें जाना है, तो हम वाटर ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करेंगे. वाटर ट्रांसपोर्ट इज़ वन ऑफ द चीपेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट. हैवी एंड बल्कि गुड्स आर ट्रांसपोर्टेड थ्रू वाटरवेज. वाटरवेज, वाटर ट्रांसपोर्ट देखा जाए तो बाकी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट से चीपर है, चीपेस्ट है, मतलब बहुत ज़्यादा महंगा नहीं है. अगर हमें कोई भारी सामान एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना है, तो हम वाटरवेज से लेके जा सकते हैं. अगर कोई भी भारी माल वगैरह इधर से अगर कहीं भी लेके जाना पड़ता है, तो हम उनमें उसको किसके थ्रू लेके जाते हैं, हम वाटरवेज की हेल्प से लेके जाते हैं. जवाहरलाल नेहरू पोर्ट इन मुंबई इज द वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पोर्ट ऑफ इंडिया. जो हमारा जवाहरलाल नेहरू पोर्ट है मुंबई में जो कि है, वो हमारा वो महत्वपूर्ण पोर्ट है इंडिया का, ठीक है, इंडिया में. पीपल आर कैरिड बाय पैसेंजर शिप वाइल गुड्स आर ट्रांसपोर्टेड बाय कार्गो शिप्स. अच्छा, अगर लोगों को, मतलब पैसेंजर को अगर घूमना है, ठीक है, तो वो पैसेंजर शिप में जाते हैं, और अगर गुड्स वगैरह, अगर आपको सामान एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना है, तो आप उसको कार्गो शिप्स के थ्रू लेके जाओगे. पेट्रोलियम एंड ऑयल आर कैरीड बाय टैंकर शिप. और अगर कोई ऑयल या फिर कुछ पेट्रोलियम अगर लेके जाना है, तो आपको टैंकर शिप के थ्रू लेके जाना पड़ेगा. ये शिप नहीं होती, ये स्टीमर होती है, ठीक है, और ये हमारा सी पोर्ट, ये जगह. द गंगा एंड द ब्रह्मपुत्र आर द ओनली टू रिवर इन आर कंट्री दैट आर नेविगेबल. इंडिया हैज़ अ लॉन्ग कोस्ट लाइन. सम इम्पॉर्टेंट पोर्ट इन आर कंट्री आर मुंबई, कांडला, विशाखापट्टनम, चेन्नई एंड कोलकाता. गंगा और ब्रह्मपुत्र, ये दो ऐसी नदियाँ हैं हमारे देश में जिनमें बोट, जहाँ पे बोट चलती हैं. इंडिया हैज़ अ लॉन्ग कोस्ट लाइन. भारत की सबसे कोस्ट लाइन मतलब समुद्र तट, ठीक है. तो इंडिया की, इंडिया हैज़ लॉन्ग कोस्ट लाइन. इंडिया लॉन्ग कोस्ट लाइन कहाँ पे है, इंडिया में, ठीक है. सम इम्पॉर्टेंट पोर्ट्स, और कुछ इम्पॉर्टेंट पोर्ट्स भी हमारे कंट्री में जो भी हैं, मुंबई, कांडला, विशाखापट्टनम, चेन्नई और कोलकाता. Along the coastline of India, there are 12 major ports and 187 minor ports where ship load and unload goods that they carry. अच्छा, हमारे पास coastline तो है इंडिया में, but उसके अलावा 12 major ports भी है और 187 minor ports भी है, जो कि जहाँ पर ship load होते हैं और unload होते हैं goods, जो वो carry करते हैं. Major ports मतलब जो हमारे प्रमुख बंदरगाह जिसको हम कहते हैं, और माइनर पोर्ट्स मतलब छोटे पोर्ट्स जो होते हैं, ठीक है. तो मेजर पोर्ट्स हमारे कितने हैं, 12, और माइनर पोर्ट्स 187. बोट्स हैव बीन यूज्ड बाय ह्यूमंस फॉर ट्रैवलिंग सिंस एंशिएंट टाइम. काफ़ी समय से हम यूज़, हमारे प्राचीन काल से हम यात्रा के लिए इस्तेमाल करते हैं नाव को. दे आर स्टिल यूज्ड इन द कंट्री साइड फॉर